आज पूरे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो मैं उठा रहा हूँ। पिछले एक महीने से ज्यादा दार्जिलिंग में जो हमारे यहाँ बंगाल का मुकुट माना जाता है, पूरे देश के एकता का सवाल है, वहाँ पे हिंसा भड़के है और गतिरोध चल रहा है। पिछले एक महीने से ज्यादा दिन तक पुलिस की गोली से वहाँ पे जो दार्जिलिंग में जो एजिटेट कर रहे हैं वो मारे गए हैं और वहाँ पे राशन बंद कर दी जा रही है। सरकार जो पश्चिम बंगाल की है उनकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बंगाल का वो हिस्सा है दार्जिलिंग, और हम एक देश का भी एकता अखंडता का सवाल है। लेकिन अपने जनता के विरोध में युद्ध घोषणा नहीं कर सकते। खाद्य मंत्री घोषणा कर रहे हैं वहां के कि हम राशन रोक देंगे, पुलिस को कह रहे हैं राइट टू फूड के अधिकार के तहत हम किसी का खाना पानी नहीं रोक सकते। बाजू में सिक्किम है, अलादा एक प्रांत है, वो भी सड़क वहीं से गुजरती है और गतिरोध की वजह से उनका भी परेशानी हो रहा है। और साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि गोरखा टेरिटोरियल अथॉरिटी जब बनी थी ट्राइपार्टाइट बैठक हुई थी केंद्र राज्य और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच में, उसमें यह लिखा था, 6 साल पहले यह मामला हुआ, उसमें यह लिखा था कि निरंतर उसका जो है प्रयास चलेगा कि हम उसका रिव्यू करेंगे किस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जीपीए के जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनके घर में पुलिस भेज करके वहां की सरकार जो है कहती है कि हमने औजार निकाल कर लिया है। तो आप इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और या चाहे सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, और खासकर ऑटोनॉमी काउंसिल जीपीए हम इसलिए बनाए थे कि अलग जो खास करके ट्राइबल एरिया है, जैसे हमने त्रिपुरा में बनाए हैं, उसी तरह से देश के अन्य प्रांतों में भाषाई रूप से अलग है, कंटिन्यूस एरिया है, उनको हमें स्वायत्त शासन देना पड़ेगा। एकता को रख करके, राज्य का एकता को रख करके, देश की एकता को रख करके, और ये चूंकि एथनिक सवाल है, भाषा का सवाल है, तारीखी का सवाल है, सिर्फ ज्योग्राफी का मामला नहीं है। और वहां पे जोर जबरदस्ती भाषा लादने के नाम पर मुख्यमंत्री खुद एक ऐसे इकदाम उठाए कि दखल करने का जो माहौल है कि हमें सब दखल करना पड़ेगा, विरोधी पक्ष नहीं रहेंगे, उनका पंचायत को दखल कर लो, उनका जीडीओ को दखल कर लो, उनका दफ्तर को दखल कर लो, और इस दखल के और गुंडागर्दी और प्रशासन अगर लोकतंत्र को नहीं दे, अधिकार नहीं देंगे, तो ये सिर्फ दार्जिलिंग में सीमित नहीं है, आज दूर से लेकर के उत्तर बंगाल में ये समस्या बढ़ रहा है। केंद्र सरकार चुपचाप खामोशी से तमाशा देख नहीं सकती। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ट्राइपार्टाइट बैठक बुलाइए, शांति का बहाली कीजिए, वहां के लोग जो मर रहे हैं उसको बचाइए, उनका राशन बंद किया जा रहा है उसको मना कीजिए, और मुख्यमंत्री को यह बताइए कि संविधान के अनुसार काम करे, कानून के अनुसार काम करे, वो जबरन किसी का भी अधिकार छीन नहीं सकते। जी अनिल कुमार अध्यक्ष जी, दार्जिलिंग के स्थिति के बारे में भारत सरकार चिंतित है, और जैसे माननीय सांसद मोहम्मद सलीम ने यहां इस सदन में उजागर किया, ऐसे वहां दार्जिलिंग की स्थिति बहुत ही विकट बनता जा रही है, और वहां शांति प्रस्थापना होना चाहिए, और यदि उस शांत पहाड़ को आग लग चुकी है उसका कारण वहां के पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री जी के रवैया और उन्होंने जिसको जैसे हैंडल किया उसके कारण है। इसलिए हमारा अनुरोध होगा भारत सरकार का अनुरोध होगा वहां पहले शांति और कानून व्यवस्था प्रस्थापित करे, बाद में वहां के जो डिमांड है उसके बारे में हम सब मिलकर के उसके बारे में चिंता कर सकते हैं, विचार कर सकते।